शौर्य और भक्ति की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियाँ उन्होंने बताया, सरहद पर हमले हुए, हमारे सैनिकों के सर कट गए, बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन पठानकोट की घटना के बाद मोदी जी ने ध्यान दिया है कि घटनाएं घटती क्यों हैं, और उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति चाहिए, वो कारण चाहिए कि पठानकोट तक आतंकवादियों के पांव पहुंचे कैसे। तब चार पंक्तियां किसी की पढ़ता हूं कि प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं, और विदेशी ताकतें जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। वाह वाह वाह, ये तंत्र कसा जाना चाहिए, और इस तंत्र को कसने के लिए केवल प्रधानमंत्री या सैनिक ही जिम्मेदार नहीं, जो व्यक्ति जहां खड़ा है, देश के जिस हिस्से में खड़ा है, वो देश की अस्मत का एक प्रहरी बने, एक रक्षक बने, तब देश देश बनता है। वरना जो हरियाणा में हुआ, आप आजादी के नाम पर इस मुल्क को फूंक दें, अस्पतालों को फूंक दें, स्कूलों को फूंक दें, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दें, अधिकारों की मांग मांगते हुए कर्तव्य की कोई भाषा ना हो मुल्क में, तो दोस्तों मुल्क नहीं बनता। इस मुल्क को बनाना है तो एक एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, तो मुल्क बनता है। अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, एक नेतृत्व दिया है, एक दिशा दी है उस व्यक्ति ने, पूरी दुनिया में भारत के मस्तक को, हिंदुस्तान के मस्तक को स्वाभिमान के साथ ऊंचा किया है। आपने पिछले दिनों इस वर्ष से पूर्व 26 जनवरी के कार्यक्रम में जब ओबामा साहब भारत में आए, हमारे महामहिम के साथ वो खड़े हुए तिरंगे के नीचे राष्ट्रपति भवन में, और तिरंगे के नीचे खड़े होकर के उन्होंने जय हिंद बोला, तिरंगे को सल्यूट किया। तो चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में कि यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा। एक विश्वास रखो उस व्यक्ति पर, उसके साथ चलो, हिंदुस्तान उसका साथ दे, हिंदुस्तान की जनता उसका साथ दे, भारत के जो दिन है, भारत जो गौरवशाली देश था, भारत जो विश्वगुरु था, वो विश्वगुरु बनेगा। कि दिलों में देश का जज्बा जब तूफान रखते हैं, यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा, यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा, कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा, समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुका कर सर। और अगली पंक्ति में आपके दिल की भावनाएं बोल दी हो तो एक एक हाथ खामोश ना रहे, उठ करके तालियां बजा देना, कि यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा, कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा, समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुका कर सर, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। वाह भाई वाह वाह वाह, हिंदुस्तान का पानी हिंदुस्तान का तेवर। मेरे सामने जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, जब जब इसको सरहद से लेकर के संसद तक कहीं हमने लगा दिया, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा में या सरहदों की सुरक्षा में, अपने मस्तक तो दे दिए हेमराज या सुधाकर की तरह, लेकिन इस देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। तब इस नौजवान पीढ़ी को सल्यूट करते हुए, बहुत पास है ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह वो बेटा हिंदुस्तान का जिसने जलियांवाले बाग के शहीदों का बदला लंदन में जाकर के डायर से लिया, तब चार पंक्तियां इस मुल्क के नौजवान पीढ़ी के नाम, इस मुल्क के बेटों के नाम पढ़ना चाहता हूं। कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है, हे हिंदुस्तान की इस नौजवानी को नमन मेरा। और अगली पंक्ति पर तैयार रहना, यदि आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो मुझे सूचित करना, मैं आप तक पहुंचा। कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है, हे हिंदुस्तान की उस नौजवानी को नमन मेरा, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है। और जो लोग फिरका परस्ती की बातें करते हैं, मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, जो जंगे आजादी का इतिहास के पन्ने पलट करके देखो, 88 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर रंगून में अंग्रेजों की जेल में नजर बंद, दो पंक्तियां किसी शहर से लिखवा करके बहादुर शाह जफर के नाम भेजी गई कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, बूढ़े बहादुर शाह जफर ने कील उठाई, जेल की दीवारों पर उन दो पंक्तियों पर दो पंक्तियां और शुमार की कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बो रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, वो परंपरा जो बहादुर शाह जफर से होती हुई, जो अशफाक उल्लाह खां से होती हुई, जो वीर अब्दुल हमीद से होती हुई,
जब कहीं राजनीति के गलियारे में जाती है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनकर के खड़ी होती है, और जब साहित्य के मंच पर आती है तो शरीफ भारती के रूप में होती है। उसको प्रणाम करते हुए कविता की चार पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहते हैं कि दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, वतन पर शहीदा होने का सभी अरमान रखते हैं, कि हम अशफाक बिस्मिल और ऊधम सिंह के बेटे। अब मुझे लगे कि आपके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। कि दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, वतन पर जान देने का भी हम अरमान रखते हैं, कि हम अशफाक बिस्मिल और ऊधम सिंह के बेटे, हो मजहब कोई भी सीने में हिंदुस्तान रखते। वाह 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 वाह। और मेरे सामने जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, चार पंक्तियां इसके लिए सौंपना चाहता हूं। दोस्तों, आपको अपने बेटों पर फक्र हो जाए जो सरहद पर खड़े हैं, उनके नाम चार पंक्तियां, इस नौजवान पीढ़ी के नाम चार पंक्तियां कि आन बान शान पे ना दाग लग नहीं दिया है, आन बान शान पे ना दाग लग नहीं दिया है, स्वाभिमान देश का संवार कर आए हम, भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम, भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम, बैरियों के सीने फाड़ गाढ़ते तिरंगे रहे चाहे सांस मौत से उधार कर आए हम, सरहद पार से तो जीता है बार बार हर जंग अपनों से हार कर आए हम। सीमाओं पर इस मुल्क के बेटे लड़े, लेकिन युद्ध विराम हो गए, युद्ध फायर हो गए, सीज फायर हो गए, हेमराजा और सुधाकर के सर कटे, पिछली सरकार में कोई प्रतिक्रिया दिल्ली ने नहीं दी, तो कवियों को भूलना पड़ता है कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नट खट कृष्ण की कहानी काम आएगी, देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। और चार पंक्तियां दोस्तों, हमला मैंने बताया कि चाहे सरहद पर खड़े कर दिए इस मुल्क के बेटे या संसद की रक्षा में खड़े कर दिए, लेकिन कई बार टिप्पणियां कर देते हैं हम मनोविनोद में इस खाकी वर्दी पर। ये भी इस मुल्क के बेटे हैं जिन्होंने शहादत दी, 8 बेटे संसद के हमले में शहीद हो गए, ये भी उन्हीं में से हैं। मैं चार पंक्तियां वर्दी के पराक्रम में पढ़ना चाहता हूं, चाहे वो वर्दी हो जो सरहद पर खड़ी है, चाहे वो वर्दी जो देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़ी है, ये कोई और नहीं, ये हम, हमारे और आपके बीच के बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, गोलियों के आगे निज सीने हम मड़ाते रहे संसद को एक भी ना खाव लगने दिया, आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। राजस्थान में एक छोटी सी जगह नीम का थाना, 21 साल का बेटा सरहद पर शहीद हो गया, अभी 22 साल के कैप्टन पवन ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, जब वो बेटा तिरंगे में लिपट करके मां के आंगन में आया, साथी सैनिक भी आए, एक चिट्ठी आई जो उस शहीद ने अपनी पत्नी के नाम लिखी थी सरहद से अपनी शहादत से पूर्व कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे इसमें क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया, लेकिन दूसरी पंक्ति जो हिंदुस्तान के बेटे ने लिखी अपनी पत्नी के नाम, जिसकी टोली 6 महीने पहले लेकर के आया था, उस पंक्ति को सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां या ऊधम सिंह के संस्कार धड़कते हैं तो उसको सैल्यूट कर देना। उसने लिखा कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। 23 साल के भगत सिंह ने शहादत दे दी इस मुल्क की आजादी के लिए, 24 साल की उम्र में आजाद शहीद हो गए। चार पंक्तियां भगत सिंह के नाम पढ़ना चाहता हूं। पिछली सरकारों में इस मुल्क के बेटों ने कहा हम भगत सिंह को जानना चाहते हैं, भगत सिंह को पढ़ना चाहते हैं, भगत सिंह कौन है, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में इस मुल्क के बेटों को बताया जाए, तो पिछली सरकारों का उत्तर यह था कि शहीदों की सूची में कोई शहीद आजम भगत सिंह नहीं,
भगत सिंह शहीदों की सूची में ही शामिल नहीं किए गए और हम ये सोचते हैं कि इस मुल्क में भगत सिंह जैसी पीढ़ियां जन्म लेंगी, तब बताना चाहता हूं इस बहुत जिम्मेदार मंच पर खड़े होकर के, इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में खड़े होकर के, पुष्कर धामी जी ने जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम कराया है उस उद्देश्य को आपके बीच में रेखांकित करना चाहता हूँ। हम कवि हैं, हम परिभाषित करना चाहते हैं इस नौजवान पीढ़ी के सामने कि भगत सिंह क्या है। भगत सिंह दोस्तों वो 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी लगनी थी, 24 मार्च 1931 को, लेकिन ब्रिटानिया सरकार न केवल भगत सिंह की जिंदगी से डरी, ब्रिटानिया सरकार को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए एक दिन पहले 23 मार्च को जला करके अजला शव उन्होंने नदी की लहरों में प्रवाहित कर दिया। उन्हें डर था कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारी नौजवान विप्लव करके कल भगत सिंह को छीन करके ले जाएंगे, इसलिए भगत सिंह को पहले फांसी दी गई। भगत सिंह ने एक क्रांति की चेतना इस मुल्क में जगाई थी। ये तालियां अपनी रोक करके रहो, कविता की अंतिम पंक्ति भगत सिंह के नाम पढ़ूं तो खड़े होकर के सल्यूट कर देना, जहां स्वर्ग में वो हो वहां तक आपका सिंहनाद जाए तालियों का, लगे कि उन सरकारों ने जिन्होंने इस देश की आजादी को भोगा इतने वर्षों तक, उन्होंने उन शहीदों की कुर्बानियों का सम्मान नहीं किया, लेकिन ये मुल्क एहसान फरामोश नहीं है, इस देश की जनता में भगत सिंह आज भी छपे हुए हैं। धन्यवाद। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, 5 साल की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बोदी उसने, 23 साल की छोटी सी उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। 3-3 पीढ़ियां भगत सिंह की क्रांतिकारी, कैसी माओ की कोख से भगत सिंह जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे बेटे जन्म लेते हैं। उस विद्यावती माँ को सल्यूट करता हूं, जहां जन्नत में हो वहां तक आपकी तालियां जाएं। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंच नद की वो वंश भेल बलिदानी थी, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी वो। वाह 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 वाह। दोस्तों 27 फरवरी, आप जानते हैं 27 फरवरी किस लिए जानी जाती है? शायद नहीं जानते, इस मुल्क के बेटों को बताया नहीं गया 27 फरवरी, इनको तो बहुत सारे और दिन बताए गए, इनको वैलेंटाइन डे बताया गया, इन्हें बताया गया कि आज़ादी बस एक दो लोगों ने दे दी, वो चरखे के तार में इलज करके आज़ादी इस मुल्क को मिल गई। दोस्तों 27 फरवरी उसका बलिदान दिवस है जिसे हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में 15 बेंतों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। वाह भाई वाह 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 अर्जुन वाह। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उसे प्रणाम करते हुए कविता की एक बहुत बड़े अर्जुन भाई जिंदाबाद। दोस्तों इस मुल्क की सियासत ने एक बहुत बड़े नाम ने राजनीति के, जो हमारा प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह दिया। आजाद दोस्तों वो, कुछ लोग गए आजाद के गांव से आजाद के पास, जब वो जंगे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा तुम अंग्रेजी खजाना लूटते हो, तुम्हारी तिजोरियों में खजाना रहता है और वहां गांव में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप भूखे मरते हैं, इतना तो इस खजाने में से दे दो कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें। जो जवाब उस नर नहर ने, उस क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने दिया दोस्तों, वो कहीं आपके रोंगटे खड़े कर दे, कलेजे में देशभक्ति की चिंगारी या विस्फोट कर दे, तो आकाश में भर तालियां बजा करके उनको सल्यूट कर देना। आजाद ने कहा क्या माँ बाप सिर्फ मेरे हैं, दूसरे क्रांतिकारियों के माँ बाप नहीं, ये जो खजाना मैंने देश की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए लूटा है, इसमें से तो मैं 1 पैसा नहीं दे सकता, लेकिन यदि तुम मेरे बूढ़े माँ बाप को रोटी ना दे सको 2 वक्त की, तो मुझे बता देना, मैं अपने पिस्तौल की 2 गोलियां उनके सीने में उतार करके उनकी सेवा करने के लिए आया। उस क्रांतिकारी को उस देश की सियासत आतंकवादी कह देगी, तब बोलना पड़ता है दोस्तों कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहला जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य कंतु कर्म से प्रणम्य बनी शबरी, जटायु वे निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। और अगली पंक्ति पर दोस्तों उन्हें ना लगे कि सियासत तो बेईमानी कर चुकी, आजाद की माता जी भूख से मरी थी, मैं बता देना चाहता हूं
भूख से मरी थी उस क्रांतिकारी की माँ, इतना नहीं सोचा इस देश की सरकार ने कि दो वक्त की रोटियां आजाद की माँ के नाम पहुंचा देती। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहला जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम में बनी शबरी जटायु वे निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार गोली यूथम से, सीना तान के जिए फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। और सरहद के पार की बातें होती है तो मुझे हंसी आती है, कुछ नहीं इस मुल्क के बेटों को आदेश कर दो, ये जो मुल्क के बेटे बैठे हैं मेरे सामने, सरहद की समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, सन 65 के युद्ध में हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे घोषणा करके, ये अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे मुल्क के बेटे वो सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। जब उन बेटों के शव आए होंगे माओं के दरवाजे पर, क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने वो किस शौर्य पराक्रम के साथ लड़े। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है, और भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है, और अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। बहुत बढ़िया अर्जुन भाई, वाह वाह वाह। माओं को सल्यूट करता हूँ, मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है, और अंतिम पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ जिनके बच्चे तिरंगे में लिपट करके आए। दोस्तों, फक्र के साथ पत्रकारों से कह दिया रोने की वजह यह नहीं है बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोने की वजह यह कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। दोस्तों, हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की माँ के रूप में दी है वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। जब बेटे तिरंगे में लिपट करके आए तो फक्र के साथ कहा कि मुझसे सौभाग्यशाली को किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मुझसे सौभाग्यशाली को किस माँ की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने, मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे। वाह 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 वाह। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने, अश्रुधारा बह रही है गर्व से माँ कह रही है, सैनिक का प्रण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने, शत्रु शीश फोड़ दिए चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। वाह वाह। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।